तर औरंगाबाद निवडणूक निकालासंदर्भात शिवसेना भाजप आणि एमआयएमच्या नेत्यांनी काय प्रतिक्रिया दिल्या आहेत पाहूया. बंडखोरी बऱ्याच लोकांनी बंडखोरी जे केलं बंड खरं म्हणजे बंडखोरांना आम्ही दोन्ही पक्षांनी आवरायला पाहिजे होतं. त्यावेळी काही आवरायला दिसत नाही म्हणून ते झालं. मी माझ्या भाषणात सांगायचो की एमआयएम खूप मोठ्या प्रमाणात येईल हे सांगत होतो तरी कोणाला कळलंच नाही आणि आपसातच भांडण बसले. हे आपसात भांडण्यामुळे त्या ठिकाणी हिंदू मतांची विभागणी झाली आणि त्यामुळे फाटाफूट झाली. शिवसेनेचे आपसातच काही वाद असतील, बाकी शिवसेना किंवा भारतीय जनता पार्टी, शेवटी राजू तनवानी जरी निवडून आला तर हा युतीचाच आहे, हा युतीचाच आहे. याच्यात युतीमध्ये खैरे साहेबांना असं वाटत होता की गुलमंडी खैरेची की तनवानीची, हा वाद तिथं फार मोठा होता गुलमंडीवर. तर शेवटी गुलमंडी ही तनवानीची हे आजच्या मतदानामध्ये सिद्ध झालेलं आहे. किसी एक शहर का इतिहास है, औरंगाबाद की आवाम से आप जाकर पूछिएगा की औरंगाबाद की आवाम, न सिर्फ मुसलमानों की हम बात कर रहे हैं, आज आप दलितों से पूछिए, हिंदू से पूछिएगा कि नाम जो है एक शहर का पढ़ा जाता है, एक ऐतिहासिक शहर है साहब. पूरी दुनिया में औरंगाबाद जो है वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, पूरी दुनिया में अगर कोई दो वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है तो वो औरंगाबाद है. अब आपको अगर इतना ही शौक है तो संभाजी नगर क्यों, आप खैरे नगर अपना पुकार लीजिएगा, जायसवाल साहब जायसवाल नगर पुकार लीजिएगा उसमें, लेकिन औरंगाबाद के नाम के साथ आप खिलवाड़ मत करिए. आपको जो पुकारना है आप अपने नाम से, अपने बच्चे के नाम से, अपने जिसके नाम से पुकारना है पुकार लीजिएगा, आपको कोई रोका नहीं है. कांग्रेस और एनसीपी से हमारा सिर्फ यही कहना है कि आप लोग बैठिए, आप एक राष्ट्रीय पार्टी है, आप इतनी बड़ी पार्टी किसी ज़माने में हुआ करती थी, आज क्या हो गया है कि आपके पास ना नेता बचे हैं ना कार्यकर्ता बचे हैं. तो आप बैठ के है तो इसका एनालाइज करिए कि जनता हमसे दूर क्यों जा रही है. आप लेकिन क्या कर रहे हैं, वो करना छोड़ के एमआईएम इसकी बी टीम है, इसकी सी टीम है, इसकी ए टीम है, एमआईएम मीम की टीम है. हम उनको बताना चाहते हैं, जाके उनको ये बोलिएगा कि अब इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे थे, उनके यहाँ के एक सिल्लोड़ के नेता है, तीन दिन पहले एक टीवी डिबेट के अंदर बोले हम 105 सीट खड़े किए हैं, 60 सीट हम जीत के आने वाले हैं. अब जाके बोलिएगा उनको, आईने में मुंह देखे अपना जरा. सी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.